हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभय दुबे जी, आपको आना चाहिए सर। मामला कितना नाजुक है, कितना संवेदनशील है, ये हम सब देख रहे हैं। कल कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह जो सवाल उठाते हैं उसमें वो नसीहत देते हैं कि साहब भ्रामक प्रचार जो है वो कभी कूटनीति का विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन सर पलटकर तो फिर कांग्रेस से भी पूछा जाएगा ना कि भाई ये उत्तेजक, ये हबड़ा दबड़ी वाले, ये भड़काऊ सवाल जो बार बार आप लोग उठाते हैं सर, क्या ये कूटनीति का विकल्प है? रोमाना जी, देखिए डोकलाम में जब हम लोगों ने सवाल खड़ा किया था उसके बाद सरकार ने इस बात को 5 मार्च 2018 को राज्यसभा में स्वीकारा निर्मला सीतारमण जी ने कि चीनी सेना ने वहां पर कुछ परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, ट्रेंचेस है, हेलीपैड्स है। 71 डेज का स्टैंड ऑफ था। अरे अभय दुबे जी, लगातार जब से चीन के मुद्दे पर मैं चर्चा कर रही हूँ सर, कमाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कहती है 2020 में रहो, 2020 की बात करो, और आज मैं देख रही हूँ सर कांग्रेस पार्टी जो है वो इतिहास में जा रही है। ऐसा क्यों बैकफुट पर आ गया जी? आज आप समझ रहे हैं कि कूटनीति के मोर्चे पर सर उत्तेजक, भड़काऊ, हबड़ा दबड़ी वाले बयान बिल्कुल कारगर नहीं है। आप क्या चाहती हैं? आप क्या सर, मैं बताती हूँ सर, हबड़ा दबड़ी वाले और भड़काऊ बयान में किसे कह रही हूँ? मैं बताती हूँ सर, राहुल गांधी जब कहते हैं कौन जिम्मेदार, राहुल गांधी जब कहते हैं सरकार सो रही है क्या, राहुल गांधी जब कहते हैं नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी, तो फिर इसको क्या माना जाएगा सर? हमारे संप्रभु हितों को चाइना को समर्पित कर देंगे तो क्या कहें रोमाना जी, ये बताइए। अगर कौन हितों को कान खोल कर सवाल तो यही है, सवाल तो यही है, सवाल तो यही है। मुझे लगता है मैं इस बहस को कांग्रेस बीजेपी नहीं बनाऊंगी बल्कि मैं रक्षा विशेषज्ञ जनरल सिवाच को यहाँ पर लेकर आऊंगी, मेजर जनरल ए के सिवाच। ये जिस तरीके से जिन हालात में बिना वक्त दिए विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए, क्या आपको लगता है ये देशहित में उठाए गए थे या कोरी राजनीति के चक्कर में उठाए सवाल? देखो रुमेना, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूंगा, मैं एक चीज बहुत बड़ी बताना चाहता हूं कि ये जो अभी सिचुएशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी। इसका इतना आसानी से डिसएंगेजमेंट का सलूशन निकलना इतना आसान नहीं है। देखो मैं वहां 2 साल चीफ ऑफ स्टाफ था, 2011-12 में पूरा लेह लद्दाख में, तो मैं इस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई भी एक प्रकार का शक नहीं है, दोनों देश जानते हैं, और वहां पर पीछे जाना चीन के लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर PP-14, 15, 17 और आपका हॉटस्प्रिंग वगैरह सब मुक्र है। मगर जो आता है पंगेंगसो वाला इलाका, इसके अंदर काफी कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेशली आपको मालूम है फिंगर 1-8 है, हम अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 8 तक मानते हैं, वो 2 तक मानते हैं, और चीन ने अभी फिंगर 4-8 तक काफी कैंप बना लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। क्या वो चीन इनको हटा के वापिस ले जाएगा? ये एक म्यूट क्वेश्चन है सर। आप बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है मैं इससे पहले रूडी साहब के पास जाऊं, अभय जी से जवाब लूं दोबारा, मैं एक बार जल्दी से रुक कर लेती हूं। जी जी, मैं विवेक काटजू सर का रुक कर लेती हूं। विवेक काटजू साहब, बेहद कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, ऐसे में सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, औपचारिक बयान आ चुका है, बावजूद इसके लगाम लगता ही नहीं है ना सर, मामला थमता ही नहीं है। राजनीतिक तौर पर रोज हम देखते हैं किस तरीके से इसको खींचा जा रहा है। आज भी यह सवाल पूछा गया कि साहब कितनी जमीन हमारी कब्जे में, और अब फिर बीजेपी जवाब दे रही है कि साहब कोई जमीन हमारी किसी के कब्जे में नहीं है, कोई जमीन सरेंडर नहीं की गई है। सर ये राजनीति नहीं तो और क्या है? काटजू साहब, मेरा मानना है कि ऐसे संवेदनशील मसले पर हमारे राजनीतिक वर्ग को एक होना चाहिए। अगर कुछ भी पूछना है तो वो सार्वजनिक रूप से नहीं, वो सब पूछा जाता है राजनेताओं के आपस के बीच, यानी कॉन्फिडेंशियल बेसिस पर। ये ऐसा अगर बड़े राजनेता जो हैं वो बैठ के इस पर विचार करते हैं तभी एक देश में और विदेश में एक खबर जाती है कि भारत एक है, भारत का राजनीतिक वर्ग एक है, सामरिक वर्ग बहुत अच्छी एक बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज में और रोमाना जी कह दूं, इसमें सबका दायित्व बनता है, ऑपोजिशन का भी बनता है, सरकार का भी बनता है, और ये बातें कॉन्फिडेंशियली होती है बड़े नेताओं के। बिल्कुल, मुझे लगता है अभय दुबे जी को आना चाहिए, अभय दुबे जी जो सवाल आपके मन में थे वो आप चिट्ठी के जरिए लिखकर उनके जवाब ले सकते थे सर। सवालों के जवाब आपको अगर ना मिलते तो फिर आप आते सर। यहाँ तो हम देखते हैं आपके नेता जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रोल की तरह व्यवहार कर रहे हैं सर। 14.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं राहुल गांधी के सर ट्विटर पर, और उसमें आए दिन राहुल गांधी जिस तरीके के सवाल उठाते हैं, आज भी
आज भी उन्होंने सवाल पूछा है क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। सर ये किस तरीके के सवाल है सर, ये क्या कर रहे हैं सर, ये देशहित के सवाल है क्या? आप चीन को मौका नहीं दे रहे सर बैठे बैठा है? बिल्कुल नहीं रोमाना जी, इतिहास क्षमा नहीं करेगा अगर आज हमने सवाल नहीं खड़े किए। कल रोमाना जी मुझसे शो में पूछेंगी कि जब ये सब कुछ घट रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने सवाल क्यों नहीं खड़े किए। हम तो सवाल कह रही हूँ कि लोकतंत्र की मर्यादा होती है सर, आप जरूर सवाल पूछिए लेकिन सवाल आप एक राजनेता के तौर पर पूछिए ना, एक ट्रोल की तरह आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आप ट्विटर पर आते हैं सवाल छापते हैं और भाग जाते हैं। कि देश का हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व हमारे भी प्रधानमंत्री जी है, हमसे ही झूठ कहे, ये मर्यादा होती है? हम चाहते थे प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि पहले ही वो ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते और सबको कहते, हमने पहले ही अपेक्षा की थी जब प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से ये गलत बयान दिया जिसका खुद बाद में पीएमओ ने उस हिस्से को हटा दिया प्रधानमंत्री जी के। सर आप जो बात कह रहे हैं ना, काटजू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद रूडी साहब इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। काटजू साहब आप अपनी बात कह दीजिए फिर मैं रूडी सर आपके पास आ रही हूँ। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ जी, मुझे एक पूर्व राजनयिक की हैसियत से बहुत खुशी होती अगर ये जो ऑल पार्टीज मीटिंग हुई थी उसमें कोई अपना वक्तव्य बाहर नहीं कहता, कोई जो भी पार्टिसिपेंट थे, लेकिन एक जॉइंट स्टेटमेंट अगर निकलती कि हम भारत के नेता, हम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता का ये मत है, हमने ये खूबसूरत बात की है सर, को स्वीकारा है, अगर ये होता तब एक मैसेज देश और विदेश में जाती। दुबे सर सुन रहे हैं, क्या शो ऑफ स्ट्रेंथ होता सर, क्या यूनिटी दिखती और पूरी दुनिया में क्या संदेश जाता सर, कितनी बढ़िया बात यहाँ पर की है काटजू साहब ने। सर 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 एक मिनट देखिए, मुझे रूडी सर को लेकर आना पड़ेगा अब है सर, प्लीज मुझे रूडी सर को लेकर आना पड़ेगा। रूडी साहब आइए, कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सर सवाल तो यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है ना कि रूडी साहब जिस तरीके से अभय दुबे जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे झूठ बोल रहे हैं, यहाँ झूठ और सच का पैमाना क्या है सर, और तय कौन कर रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? ये बात ठीक इन्होंने कहा कि इतिहास कभी नहीं क्षमा करेगा, सचमुच इतिहास कभी नहीं क्षमा करेगा। 1950 से लेकर 60 तक 35,000 स्क्वायर किलोमीटर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस दौरान चीन ने हमारा कब्जा कर लिया, फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी लगभग 5,500 एकड़ जमीन चीन ने हमारा कब्जा कर लिया, कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। कोई इन्हें रोका नहीं जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, ये शब्दों का उपयोग करके शायद इनको बल मिलता है, तो क्योंकि इनके नेता भी ऐसे वक्तव्य का उपयोग कर रहे हैं कि हमारे सिपाहियों को बिना हथियार के लड़ने के लिए भेज दिया गया और गलवान वैली हमारा कैप्चर हो गया और क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग उस दिन कह रहे थे बुलाई गई, कहने लगे कि मीडिया की पेड चैनलों द्वारा यह समाचार फैलाया जा रहा है और कहां प्रधानमंत्री छिपे हुए, अनाप शनाप बातें बोलते रह गए और सरेंडर मोदी और ये सब। देखिए कठिनाई है कि अगर कोई प्रवक्ता सेंसिबल बात भी करना चाहेगा तो एक प्रवक्ता को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसने राहुल गांधी को डिफेंड नहीं किया। अब नेता ही अगर गलत हो, लेकिन सबसे बड़ा विषय मेरा है, मैं मजबूर होकर यह कहना चाहता हूं कि भारत में एक अजीब सी परिस्थिति उभर के आ गई है। चीन को भारत में प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, चीन के प्रवक्ता स्वयं कांग्रेस पार्टी भारत में बन करके भारत के फौज को उंगली दिखा रही है और चुनौती दे रही है और उसका अपमान कर रही है, इसलिए सबसे बड़ी स्थिति है। और उसमें इतिहास भी गवाह है किस प्रकार से एम्बेसडर के यहाँ राहुल जी जाके डिनर कर, जब डोकलाम चल रहा होता है तो उनके एम्बेसडर के यहाँ दिल्ली में खाना खाते हैं। रूडी साहब आप जब ये सवाल उठाएंगे, कि भाई चीन को अपने प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, चीन का प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बनी हुई है सर, फिर तो आप वही जबान बोल रहे हैं ना जो कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस पलट कर कल से पूछ रही है कि साहब ये चीनी मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। सर कांग्रेस तो ये कह रही है कि चीन को यहाँ प्रवक्ता की जरूरत नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद ही उसकी वकालत कर रहे हैं। देखिए वो हाथ उठाया हुआ है अभय दुबे जी ने, वो यही जवाब देने के लिए आपको इंतजार कर रहे हैं। अभय जी दे दीजिए, आप लोग अपना राजनीतिक हिसाब किताब पूरा कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करते हैं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने दिल के दरवाजे हिंदुस्तान के लिए बाजार के दरवाजे भी खोले हैं। 60 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट हो गया है हिंदुस्तान का। मोदी जी सुनिए, आज जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहे हैं, पहले हिंदुस्तान के हर घर में चाइना का माल भेज रहा है। अगर कोई बोलना चाहे, एक बार समाप्त कहा हुआ है मेरा,